राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005 में लागू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन हो। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि ललितपुर जनपद के मणौरा ब्लॉक ग्राम पंचायत मानकपुर में 70 दलित परिवारों के यहाँ एक साल पहले मीटर और डोरी खम्भे गाड़े गए, लेकिन एक साल से मुकेश सहित 70 दलित परिवारों के साथ गांव के लोग जातिगत भेदभाव के चलते यहां पर बिजली नहीं दौड़ने दे रहे हैं। आपके गांव में क्या परेशानी है? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? लाइट से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे पशु पानी के परेशान होते हैं, हमारे यहाँ ट्यूबवेल नहीं चलते हैं कोई। हमारे यहाँ कम से एक साल से मीटर ठुके हैं, कोई जलाने वाला नहीं आया। बस्ती बाबा हम लोग हरजन बस्ती में 70 कनेक्शन हो गए साहब। आप लोगों ने इसलिए कोई प्रयास किया? हाँ साहब, प्रयास किया। हम लोग SDM के पास गए और तहसीलदार के पास गए, जेई के पास गए, जला पे गए तो कोई सुनता नहीं। कह देते हैं कर देंगे, मीटर तो ठोक दिए साहब, जलाने वाला कोई आया नहीं सर हमारे यहाँ। गाँव वाले का ना हम लोगों को घृणा करते हैं, हम लोग हरजन बस्ती से साहब जलने के लिए हम लोग कहते हैं कि जलवा दो, अब वे लोग कहते हैं नहीं जलेगी हरजन बस्ती में, लाइट नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? जी गाँव वाले कहते हैं। और साहब गाँव में लाइट है, हमारे यहाँ हरजन बस्ती में लाइट नहीं है। अच्छा, कब से लाइट नहीं है? लाइट तो कभी नहीं आई हरजन में, कभी लाइट नहीं आई। और क्या परेशानी है? और सरकार क्यों नहीं देते लाइट, क्यों हमें परेशान करती, क्यों हम ऐसे गड्ढे में दड़े रहेंगे लाइट नहीं आएगी तो? जो मालूम नहीं है कि घर में अंधियाई में चले जा रहे थे, सांप धरू के गोयरो धरू के को धरू, और बच्चन खो दो पैसा हमारे कमाते हैं, चार पैसा लगाते हैं, क्यों मच्छर काटते बच्चा को? सिटियन के क्यों नहीं होते बीमार, जिस गाँव में लाइट नहीं है उसके क्यों बीमार होते? आप लोगों ने कोई प्रयास किया लाइट? तो खूब की गई, इतने नेता लोग आए तो जीत गए तो कह दी हम पहले फिरते रहे सो कहले हम कर दें, और फिर जैसे जीत गए सो हमारे यहाँ पछाऊ कर बिन तक नहीं आए, अंगाओ तो कई को ने पछाई नहीं करी। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि जल्द से जल्द मानिकपुर ग्राम में बिजली का संचार हो, जिससे इनकी परेशानियाँ दूर हों। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप लोग मणौरा ब्लॉक के जेई के मोबाइल नंबर 94159595 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं। मैं शंकरलाल, बुंदेलखंड से, ललितपुर से, इंडिया अनहर्ड के लिए।